10 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों की शहादत को याद करते हुए आम्रपाली चौक पर हमले में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक ले जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला दोपहर करीब 3 बजे हुआ था। भारत ने इस हमले का 12 दिन के बाद ही बदला ले लिया था और इस दिन को काला दिवस के नाम से भी जाना जाने लगा। उन्हीं वीर शहीदों को भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर मंडल के द्वारा आम्रपाली चौक पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस श्रद्धांजलि समारोह में भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर मंडल के पदाधिकारियों के अलावा नगर की आम जनता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी याद में दिए जलाए। कार्यक्रम की जानकारी भिलाई जिला मंत्री विजय जायसवाल सहित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आम जनमानस ने भी दी है। ऐसा नहीं है, वैलेंटाइन डे में नहीं डूबा हुआ है युवा पीढ़ी। इतनी सारी भीड़ बता रही है यहाँ पे कि क्या कहते हैं, युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे में नहीं डूबा हुआ है, बल्कि हम शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और पाकिस्तान को बताना चाहते हैं हम लोग। आज जो उन्होंने एक घृणित कार्य किया था ना, एक कहावत है, कश्मीर खुद मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। वही सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने उनको ये जवाब दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर मंडल के द्वारा पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अगर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आज का दिन भारतीय इतिहास का काला दिन है। हमारे 44 जवान आज शहादत प्राप्त हुए थे। नापाक पड़ोसी ने हमारे पर हमला किया था घात लगाकर, जिसमें हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसका जवाब हिंदुस्तान ने पुरजोर तरीके से लिया और उनके ऊपर हमला करके स्ट्राइक करके उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। उसके बाद से उनको भी अपनी हैसियत समझ में आ गई कि भारत जो पहले वाला भारत नहीं रह गया है, भारत बहुत मजबूत हो चुका है। विश्व का कोई भी देश हमारे पर ना घात लगाता ना हमला करता ना उठा के देख सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारत दिन पे दिन मजबूत हो रहा है। मैं समस्त भारतवासियों से निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सभी लोग एकता से राष्ट्र के लिए काम करें और पूरी ताकत से राष्ट्र को मजबूत बनाएं और विकास करें, अग्रसर करें। पहले तो मैं आपकी बात को करेक्शन करिए, दो दिवस नहीं है, ये 3 दिन है। हम इसको मातृभाषा दिवस के ऊपर बनाते हैं। वैलेंटाइन डे तो हमारी एक अंग्रेजों की जो परंपरा है वो यहाँ चले आ रही है, जिस परंपरा को हमको धीरे धीरे बंद करना है। आज आप देखिए कि युवाओं का धीरे धीरे वैलेंटाइन डे के उसके ऊपर रोज बढ़ते जा रहा है, मातृपितृ दिवस के ऊपर बढ़ावा आते जा रहा है। दूसरा, जो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसका पुलवामा अटैक हमारे वीर जवान एयर स्ट्राइक के माध्यम से जिसके किए थे, उसका भी एक रोज भारी मात्रा में था। आज देखेंगे आप स्मृति नगर तालाब में भी हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा के रोहन सिंह के द्वारा 51,000 दीपों का भी एक श्रद्धांजलि उनको दिया जाना है। थोड़ी देर में कार्यक्रम अभी शामिल होगा, हम लोग सभी वहीं जाने वाले हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ युवा वैलेंटाइन डे ही मनाते हैं, वैलेंटाइन डे तो सिर्फ एक थर्ड पार्ट हो गया है। पहला पार्ट हमारा मातृपितृ दिवस है, दूसरा पार्ट अब पुलवामा हो गया और तीसरा हम वैलेंटाइन डे को कर रहे हैं। 14 फरवरी को जहाँ पाश्चात्य संस्कृति के तहत वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो वहीं 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद अब इसका चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और युवाओं सहित देश की जनता भी इस दिन में शहीदों को नमन करते हुए मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मना रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।